ZING. आमिर खान को बॉलीवुड में टक्कर देने आ गया है एक नया मार्केटिंग गुरु. दिलचस्प बात ये है कि आमिर से इसकी दुश्मनी काफी पुरानी है. कौन है ये, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट. बॉलीवुड के मार्केटिंग गुरु कौन? आप कहेंगे आमिर खान. लेकिन आमिर को टक्कर देने आ गया है एक नया मार्केटिंग गुरु. ये आमिर का दुश्मन भी है, उनके साथ फिल्म भी बना चुका है और अब मार्केटिंग के नए फंडे अपनाकर आमिर को दे रहा है टक्कर. और उसका नाम है राम गोपाल वर्मा. राम गोपाल वर्मा इसीलिए क्योंकि अब रामू अपनी हर फिल्म कॉन्ट्रोवर्सीज के दम पर बेचने की तैयारी में जुट गए हैं. रिसेंटली एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने क्लैरिफाई की अपनी आने वाली फिल्म नॉट अ लव स्टोरी से जुड़ी कई कॉन्ट्रोवर्सीज. लेकिन वो कॉन्ट्रोवर्सीज क्या क्लियर करते, उन्होंने तो नाम लेकर सबको ले लिया अपने निशाने पर. अगर फिक्शनल स्टोरी में व्हाट एवर आई वांट टू शो आई विल शो. शुरू से मैं कह रहा हूँ ये इंस्पायर्ड स्टोरी है हमारे सुशील राज की, इट्स नॉट बेस्ड अपॉन दैट. इफ आई मेड सरकार As if it is inspired from Balasaheb Thackeray. It's not Balasaheb Thackeray's story. So I'm very well within my legal rights to make a film inspired from a true happening. Or if I made underworld film Satya, it's inspired from what happens in Bombay at the time in 1999. ये रामू की आदत पुरानी है. पहले तो वो real life character उठाकर film बनाते हैं और फिर उस पर देने लग जाते हैं सफाई. यानी जितनी बड़ी controversy उतनी ही strong हो जाती है film की marketing. और यही काम करते हैं आमिर भी. बस फर्क इतना है कि रामू बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और आमिर की हर बात को लोग सीरियसली लेकर उसे बड़ा बना देते हैं. रामू अपनी बात साबित करने के लिए अमिताभ को गाली देने से भी नहीं चूकते, जबकि आमिर तो गाली का गाना बनाकर लोगों की वाहवाही लूट लेते हैं. वेल, रामू की मार्केटिंग गुरु बनने की ये कोशिश तो पता नहीं कितनी रंग लाएगी. लेकिन रामू की आमिर बनने की कोशिश कितनी कामयाब हुई ये नॉट अ लव स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर ही साफ हो जाएगा. शोमी मुखर्जी, जिंग, मुंबई.